पनीर के पकौड़े बनाते हैं। अच्छा, जैसे लखनपुर वाले होते हैं ऐसे ही बनेंगे क्या? क्या जैसे लखनपुर वाले? सर रहने दो पैसे, सर आप जहाँ तक आके बहुत वही बहुत है। नहीं नहीं कोई बात। सो गाइस, अभी सरदार जी ने बहुत ही प्यार से जिए बल्ले। सो गाइस, आज हम लोग बहुत ही इधर अपने गांव से काफ़ी दूर आ चुके हैं और इधर हमें काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो इसलिए हमने सोचा चलो जहां पे आते हैं, जहां पे एक्चुअली कुछ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी ऐसे तेल में गर्मा गर्म कुछ निकल रहा हो, तो अभी देखते हैं। तो जहां पे क्या नाम है, MS फास्ट फूड, जहां पे देख सकते हो आप लोग, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, अगर कोई जहां पे आके यहां पे आना चाहता है वो भी आ सकता है। तो अभी सबसे पहले सरदार जी से बात करते हैं। वो बताइए सर, कैसे हो? मैं ठीक है जनाब, तुम सुनाओ? ठीक है। नाम क्या आपका, नाम जान सकते हैं आपका? मुल्कराज सिंह। मुल्कराज सिंह, अच्छा। तो जहाँ पे क्या बनाते हो आप? जहाँ पे बल्ले बनाते हैं दाल के, चने की दाल के। बल्ले हैं आज तो बल्ले ही बने हैं सिर्फ। अच्छा, बल्ले ही बने हैं, तो जी पूरा का पूरा बल्ले का ही सामान है, बीच में डालोगे जो चटनी वगैरह? खुद ही बनाते हो जी घर में? खुद ही बनाते हैं। तो सुबह कितने बजे आते हो जहाँ पे? सुबह कितने बजे आते हो? सुबह 9-10 बजे आ जाते हो। 9-10 बजे जहाँ पे आते हो, तो शाम को? शाम को 8 बजे तक। अच्छा, इधर ही रहते हो, अकेले ही होते हो आप? ना, छोटे भाई भी होते हैं। अच्छा, छोटे भाई भी आपके? अभी वो कहीं गए होंगे काम वगैरह के लिए, आपको पता काम वगैरह पड़ता रहता है ना, इसलिए। तो अभी हम भी एक्चुअली जहाँ पे इधर गए थे आगे घूमने के लिए, अपने आशु भाई है जी, तो इसके साथ गए थे जी, हमारी बाइक लगी हुई है, तो हमें रास्ते में भूख लगी, तो जब हम जहाँ पे गए थे ना जहाँ से, तो हमें बहुत ही अच्छी खुशबू है, तो हमने सोचा चलो आते समय जहाँ पे रुकेंगे देखेंगे कुछ करेंगे तो खाएंगे पियेंगे। तो भाई ने ना हाँ दुकान बनाई है बाइक में। बाइक में चलती फिरती बाइक में दुकान बना दी है। चलती फिरती दुकान है मतलब ये है ना, बहुत ही मतलब ये खुद ही बनाई होगी, ये खुद ही बनाई है? पंजाब से? ये पंजाबी मतलब ऐसा काम कर देते हैं, जुगाड़ लगा देते हैं। इधर मिस्त्री का नंबर भी लिखा है नीचे। अच्छा, नंबर भी लिखा, अब पेंट कर दिया सोटे ने, मिटा दिया इसका। पंजाबी जुगाड़ मतलब पंजाब से करके आप लाए थे इसे? हाँ। चलाते हुए लाए थे या फिर ऐसे ट्रक चलाते हुए? कितने की पड़ी थी आपको? ये पड़ गया कोई 35,000 की। 35,000 की, लेकिन चलती फिरती दुकान है, ट्रॉली नहीं होती जो बड़ी, जो ट्रॉली होती है दुकान है, पोर्टेबल। पोर्टेबल सही बात है, पीछे कर सकते हैं। तो अभी बताइए थोड़ा बहुत क्या क्या बताइए थोड़ा जहाँ पे मोमोस वगैरह भी बनाते हो क्या? मोमोस मोमो भी उगाते हैं पर अभी नहीं बनाते हैं। अच्छा, अभी मतलब खाली बल्ले, अभी बल्ले, आज बल्ले, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं, 4:30, 5, तो इसलिए अभी खत्म होने पर आया सामान, तो अभी अगर हम खाना चाहेंगे तो खिलाओगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, अगर हम बोले पैसे नहीं है तो फिर चलो फिर लगा दो थोड़े से, अभी खाते हैं थोड़े, लगा दो अपने हिसाब से। तो गाइस अभी देखिए सरदार जी जहाँ पे बल्ले बनाने लगे हैं गर्मा गर्म, अभी देखो इन्होंने ये बत्ती लगाई है, चूल्हा वो भी जला दिया, अभी ये गर्मा गर्म तेल होगा तो इसमें ये फ्राई करेंगे, है ना, फ्राई नहीं करेंगे ना, फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे, देखेंगे कैसा स्वाद लगता है, फिर आप लोगों को भी बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी है ना। तो आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। जैसे लखनपुर वाले होते हैं ऐसे ही बनेंगे क्या? क्या जैसे लखनपुर वाले लखनपुर वाले बहुत मशहूर बल्ले, बिल्कुल सेम ही बनेंगे ना, क्योंकि वो भी पंजाबी हैं, आप भी पंजाबी बोल रहे हो, बिल्कुल सरदार जी अपने जैसे वो होते वैसे आप, तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो अभी बहुत ही खुशबू आ रही है, रहा नहीं जा रहा, थोड़ा जल्दी कीजिए, बहुत ही भूख लगी है हमें, जे रखी है ना, काफी अच्छी खुशबू है यार, खुशबू दूर से ही आ रही है, इसको तो उबालने का जरूरत ही नहीं है। आलू की कटिंग किसके लिए रखी है? पकौड़े के लिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे बनाते हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा लेट हो गए, लेकिन गोभी के पकौड़े बनाते हैं, पालक के बनाते हैं, सभी प्रकार के बनाते हैं, मतलब सब कुछ बनाते हो? क्या क्या बनाते हो? पनीर के पकौड़े बनाते हैं। अच्छा, माँ बड़े बनाते हैं। अच्छा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप जहाँ पे बनाते हैं, किस्म का फास्ट फूड ही हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो फास्ट फूड की दुकान पे नहीं मिलेगा वो जहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, वो भी सस्ती, बहुत ही सस्ती। और आप लोगों को पता जी एक छोटी सी दुकान है भैया की, चलती फिरती दुकान है, तो बहुत ही अच्छा जुगाड़, बड़ा अच्छा लगे भाई का, मुझे भाई का, तो चलो अभी अच्छा जुगाड़ है, अभी बनाते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। सो अभी देखिए सरदार जी ने बीच में बल्ले डाल दिए, तो अभी गर्मा गर्म फ्राइड हो रहे हैं, अभी तेल पूरा गर्म हो चुका है ना एकदम से, बिल्कुल देखना वो कैसे वो दूर से दिखाई दे रहे हैं, गर्मा गर्म अभी बना रहे हैं। तो गाइस जहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है, आप लोग देखते रहिए, अभी जब खाएंगे ना खाने के बाद और ही ज़्यादा मज़ा आएगा, बेहतरीन फ्रेगरेंस, बहुत ही अच्छी आ रही खुशबू भाई, काफ़ी अच्छी खुशबू है। उसके बल्ले के जो कोली में डालेंगे वो अलग से, जो पैके में डालेंगे उसके बाद ये भी ऊपर डालेंगे, ठीक है, मूली, ये मूली ऊपर डालेंगे, मूली का कटिंग करके चटनी के साथ डालते हैं।
मुंह में पानी आ गया भाई, खुशबू देख के मुंह में पानी आ गया मेरे मुंह में, मुंह गीला हो गया। अंदर से अभी क्या बताएंगे, अभी सीधा खाने के बाद ही पता चलेगा। फील में जो भी मतलब कोई जवाब नहीं, काफी का तो कोई जवाब नहीं है। क्या डाला था सरदार जी, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। सरदार जी ने अपना प्यार डाला, और क्या प्यार डाला, प्यार से बनाते अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए अभी इसको फ्राई करने के बाद जहाँ पर रख दिए अच्छी तरह से करारे कर दिए, अभी देखते हैं हम लोग खाते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे गाइस। एक ही बार आ जाएगी इसमें, ये देखिए गाइस चटनी डाल दी, चटनी और मूली दिल खोल के दी है। तो अभी खाने के बाद देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है ना। सो गाइस अभी सरदार जी ने बहुत ही प्यार से ये बल्ले बना के फ्राई करके हमें कोली में डाल के दिए, अभी खा के देखते हैं थोड़ा। अभी ये तोड़ के रख लीजिए मैंने, भाई बहुत ही मज़ा है, बहुत ही टेस्टी है भाई यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही क्या डाला आपने, बहुत ही टेस्टी है। आप ही खा के देखो भाई, आओ आप ही आओ, पहले खा के बताओ थोड़ा। काफ़ी क्रंची है, तीखे बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है गाइस। आप लोग भी जहाँ पे आ सकते हो और जहाँ पे आप लोग खा भी सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो सरदार जी इस जगह का नाम क्या, अगर कोई जहाँ पे आना चाहेगा तो फिर कुछ बता दीजिए इसके बारे में। ये पंडोरिया में ही पड़ता है, पंडोरिया कालापुर। अच्छा जी कालापुर, हाँ ये तो बहुत ही मशहूर है, जहाँ पे तो लोग फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं। हाँ तो ये पंडोरिया लगा लो, पंडोरिया और ये बदीपुर इसके साथ में। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई बात नहीं गाइस, अगर आप जहाँ पे आना चाहते हो तो आप लोग जहाँ पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे खा सकते हो, बहुत ही सारी आइटम बनाते हैं। अभी तो खाली बल्ले बचे हुए हैं, तो आप लोग जब भी आओगे ना तो दोपहर के 12 बजे तक आ ही जाना, अदरवाइज आपको भी यही खाली मिलेंगे, बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ पे आना, बहुत ही प्यार से बनाए इन्होंने, तो बहुत ही टेस्टी बने भाई, बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी देखिए और किसी के लिए अभी बना रहे हैं, तो अभी जैसे भाई ने बोला ना कि जैसे लखनऊपुर में मिलते हैं वैसे ही मिले, बिल्कुल सेम, उससे भी बढ़िया लग रहे हैं, उससे भी बढ़िया थे, बहुत ही मजा आया। तो अभी तो पहले बना के रखे थे, ये अभी बना के दिए भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, बहुत ही मज़ा आया। तो सो अभी हमने जहाँ से खा लिए हैं दही, ओ दही बोल रहा हूँ, पल्ले खा लिए वहाँ से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया भाई, बहुत ही मज़ा आया ना, कितनी टेस्टी थी, बहुत ही टेस्टी, पहली बार इतना टेस्ट दिखा मुझे। तो ये बिल्कुल लखनपुर वालों पल्लों से ये कम पल्ले नहीं है, जब बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही जमी था, बहुत ही मज़ा। तो अभी सरदार जी पता नहीं और क्या बनाने लगे हैं, ये सब पकौड़े के लिए कर रहे हैं, पकौड़े के लिए ये। तो अभी सरदार जी पैसे कितने जो हमने अभी खाए हैं, पैसे बताइए उसके। सर रहने तो पैसे सर, आप जहाँ तक आके बहुत वही बहुत है। नहीं नहीं, कोई सरदार जी का दिल देखिए, दिल तो बहुत बड़ा है इनका, सही बात है। एक तो अपने प्यार की तरफ से इन्होंने बल्ले बनाए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए, बहुत ही टेस्टी लगे, क्योंकि प्यार का ही ज़्यादा टेस्ट होता है, बाकी खाने का क्या खाना जाने। सही बात। तो अभी पैसे के लिए माना कर रहे हैं कि पैसे रहने तो ऐसा थोड़ा ना होता है, जैसे ऐसे तो देंगे, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। नहीं नहीं, वो तो बात अलग रही ना, पर फिर भी बताइए आप पैसे कितने में बता दीजिए, कोई बात नहीं। 80 रुपये। 80 रुपये हो गए, बहुत ही कम, मैंने सोचा था पता नहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन भाई साहब जहाँ पे आ सकते हो सस्ते में है बिल्कुल। मैंने सोचा था ना, मैंने सोचा 150 रुपये मांगेंगे भाई, 150-200 के करीब, लेकिन कितने खाए हमने, काफी ज्यादा खाए, पहले जो वीडियो में दिखाया उसके बाद भी एक बार फिर से खाए लखनऊपुर में, मैंने जब खाए थे ना, गिनती मैंने नहीं किया था, मैंने ऐसे जो भी चले, इसने भी बहुत ही खाए, बहुत ही ज्यादा खाए। तो अभी जो वो बोल रहे हैं 80 रुपये, तो अभी इनको पैसे देते गए। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये देखिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप जहाँ पे आना चाहते हो तो जहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। ये पंडोरिया वाला गांव है, जहाँ पे काला पुल भी बना हुआ है, जहाँ पे लोग काफ़ी सारे फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। और ये अभी पेमेंट कैसे करेंगे, कैश लोगे या फिर ऑनलाइन ऐसे पेमेंट करते, बताइए आप, हमारी मर्जी है, मतलब हैं जहाँ पे फ़ोनपे भी लगा हुआ है, तो भाई बता कैसे करना, ऐसे करते हैं, कैश ही दे देते हैं, कैश है भी है, क्योंकि अगर कैश नहीं होती तो फिर इसके बारे में सोचते, ये तो इमरजेंसी के लिए होता जाता है। जहाँ से चलते हैं, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारी ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके।